बहुत टेंशन में है तू, प्लानिंग कर रहा है शेयर मारने का, छुआ भी नहीं मिल रहा। आपके बराबर लड़के लोग आगे बढ़ गए, शनि पकड़ा जबरदस्त, नशा दिया तेरे को जबरदस्त। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए अपन निकल चुके हैं, और ये रही मेरी स्कूटी जो कि आप सभी को दिख रही होगी, और लेट हो रहे हैं अपन आज के इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। सो गाइस, अगर आप मेरा कल का वीडियो नहीं देखो तो जाके देख लो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना। मौसम तो मस्त सुहाना सा है, और अभी हम लगभग कोतवाली पार कर चुके हैं, मेन रोड पर हैं, और अपन को जाना है बोनोबिया को लेने के लिए। और आप सभी को तो पता है न्यू घर में शिफ्ट है, तो अपन को नया घर जाना है, तो यहाँ से अपन को राइट लेना पड़ेगा, चिकलीकर वाला रोड है ना, वहाँ से आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर ही है न्यू वाला घर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी का समय वही 8:20 कुछ हो रहा है दोस्तों, और मज़ा आ रहा है। ये मौसम में ना आपको भी निकलना चाहिए, घूमना चाहिए। भैया का थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा, क्योंकि तैयार व्यार हो रहे, चाय वाय पी रहे, अपन तो वेट कर रहे। आप सभी को दिख रहा होगा सामने का सीन पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई लोग नहीं है। लिटरली गाइज, मेरे को पता ही नहीं था कि यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी है, जो कि भैया ने बुलाया तब जाके मैं, मतलब रोकने के लिए बोला, तब जाके मैं समझा कि ये पास जगन्नाथ मंदिर है। मेरे को पता ही नहीं था कि जगन्नाथ मंदिर भी है ये पास। सभी को दिख रहा होगा हमारा बड़ा ही आ चुका है, बड़ा ही बना रहा है, खराब हो गया है स्लाइडर, खराब हो गया तो स्लाइडर चेंज कर दिया है, बना रहा है। अपन भी हेल्प कर रहे, सीख रहे इसके साथ थोड़ा सा बैठ के। और एक्सपीरियंस वाला बड़ा ही नहीं है, थोड़ा है लगभग लगभग एक्सपीरियंस, लेकिन कंप्लीट एक्सपीरियंस वाला नहीं है। ये लॉक खराब हो गया था, ये बना रहा है, और आप देख सकते हो ये पूरा स्लाइडर मन चेंज कर रहा है, ये लग रहा है स्लाइडर अभी चेंज किए हैं। तो देखते हैं, अब बड़ा ही कंप्लीट बना चुका है कि बस नाम का बड़ा ही है। तो ठीक से करना है, इधर लगाना, इधर बराबर कहाँ लगा रहा है भाई? लगा रहा हूँ दोनों तरफ से। कहाँ से सीखा है बड़ा ही? तेरा गुरु कौन है? लगा लगा लगा, तो लटक रहा है शायद, कुछ बड़ा ही नहीं बनाया अच्छे से हमारा मिस्त्री। सो ये सब सामान है गाइज, अपन तो स्लाइडर तो लगा लिए, स्लाइडर सब ठीक ठाक हो गया, और अपन को लॉक लगाना है, जो लॉक चाबी होता है ना वो लगाना है काउंटर का, वो निकाल लिए थे क्योंकि ख़राब हो गया था बीच में, मतलब चाबी घूम गया था, और चाबी मिलने के बाद लग नहीं रहा था, ख़राब हो गया था, तो अपन लॉक ढूंढ रहे हैं। और आज है संडे, तो देखते ही मिलता है नहीं। अपन अभी जा रहे हैं प्रकाश हार्डवेयर, जो कि आप सभी को पता होगा, अपन वही तहसील ऑफिस के सामने है प्रकाश हार्डवेयर, और बहुत ही बड़ा वाला है, मतलब जाना माना हार्डवेयर है प्रकाश हार्डवेयर। सो वहाँ चल रहे हैं अभी, मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी जगहों पर ढूंढ लिए, गोल बाजार में ढूंढ लिए, लेकिन जो साइज़ का अपन को चाहिए लॉकर, वो साइज़ का अपन को मिल ही नहीं रहा है कहीं पे भी। सभी जगह ढूंढे, ढूंढ ढूंढ के थक गए, कहीं नहीं मिल रहा है वो साइज़ का, छोटा साइज़ का मिल रहा है, तो अपन और जगह ढूंढ रहे हैं, मतलब घूम ही रहे हैं, मेन रोड पर है जितना भी हार्डवेयर है ना, बड़ी बड़ी हार्डवेयर, तो वहाँ पर जा रहे, ढूंढ रहे, पता कर रहे, वहाँ वाले बोल रहे यहाँ नहीं है, ख़त्म हो गया, या फिर छोटा वाला है, बड़ा वाला नहीं है। सो अपन और कहीं नई जगह चलते हैं। घूमते फिरते अपन तो पहुँच गए दीपक हार्डवेयर, जो कि मार्केट के पीछे है, और यहाँ पूछ लिए, मिलेगा तो बोले, लेकिन ला रहे हैं, क्या पता कौन सा वाला साइज़ का मिलेगा। सो अपन को मिला, लेकिन अलग साइज़ का मिला। घूमते फिरते लॉकर ढूंढते हुए अपन पहुँच चुके हैं यहाँ पर, जो कि आप सभी को पता होगा, जो कि मिट्टू निकालता है एक कार्ड, वहाँ से अपन के बारे में बताया जाता है। तो जो मेरा बगल वाला था, वो बोला कि चलो चलते हैं करके, और आए हैं यहाँ पर। उसको नहीं करवाना था, लेकिन वो टेस्ट करवाना था कि होता क्या है, क्या करते हैं, तो अपन भी आए, तो वो बोला कि तू बैठ जा, तेरे बारे में कुछ पूछ लेते हैं। सो आप सभी को आज पता चलेगा मेरे बारे में, मेरे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सभी चीज़ें आपसे सुनने को मिलेगा, मुझे भी सुनने को मिलेगा क्या होने वाला है मेरे साथ, जो कि वो मिट्टू निकाल रहा है कार्ड पर, पता नहीं क्या निकलेगा, क्या है क्या नहीं, जो ये सब के बारे में तो मैं उतना जानता नहीं था, लेकिन आज फर्स्ट टाइम कुछ ट्राई करने के लिए बोला, तो ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अब होता क्या है, और बताते क्या है, क्या होने वाला है। चलो टाइम पास देखा जाए, हमारा सही बोलता है क्या गलत बोलता है, ऐसा मन में सोच कर आया मेरे पास, विचार तो नहीं था, रोज आने पर देख रहा, तेरा समय ठीक नहीं देगा आने वाला, तेरा संभाल कर रहा है, तेरी बदला भी दी है एक लड़की से, मारपीट भी है, खाना कोट करके भी दी,
ऐसा बोला उनको नाराज मत होना, मेरे से कोई भी नाराज से पूछ ले नहीं सही है। और तुम्हें जिद्दी मेरा खोपड़ी को पागल करना, घर छोड़कर किधर भी निकल जाना, तेरे हाथ से जबरदस्त कुंडी फोड़ना, हाथ से फूल भी है देख जरा संभाल कर रहना, एक कान सुन ले एक कान से छोड़ दे, दोस्ती यानी से भी सावधान रहना, तीन आदमी ऊपर से नया काम करते हैं, गलत तो बोला क्या बोला नहीं। अभी का समय लगभग वही 6:30 से 7 बज रहा है दोस्तों, आप सभी को पता होगा शाम का समय है और ठंड का समय है, ठंड तो लगेगा ही, तो अपन तो जैकेट वगैरह पहन लिए, बोनू बिया जैकेट वगैरह कुछ नहीं पहने, तो बोनू बिया का पहले जैकेट वगैरह ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा और नई जगह घूमने के लिए चलते हैं, कहीं और चलते हैं। और अभी हमें सिरासर चौक के पास, सिरासर चौक लगभग पार कर चुके हैं, यामा शोरूम हमारे लेफ्ट साइड पर था वो भी निकल चुका, अपन आगे निकल चुके हैं, तो अपन जा रहे न्यू वाले घर में। अभी हम लाल बाग पर आए और मोमोज खाने के लिए आए, जो कि आप सभी देख सकते हो भीड़ कैसा है मोमोज खाने के लिए, तो कुछ टेस्टी बनाता होगा तभी भीड़ है। सो गाइस फाइनली अपन तो घर पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज्यादा ठंड है, इसलिए टोपी वोपी लगा लिया हूं और बैठ गया हूं, थक गया हूं थोड़ा सा, और अभी का समय वही 8 बज रहा है दोस्तों, तो सभी चीजें अच्छे से हो गई। और आप सभी तो देख चुके होंगे कि हमारे कुछ होने वाला है कुछ नहीं होने वाला, सब चीजें बता दिए थे। लगभग हम फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, मतलब फर्स्ट ही टाइम ट्राई किए थे, लेकिन कुछ बातें ना लगभग 95% बातें जो बताए 95% बातें सच थी, जो भी बताया ना 95% सच थी, जो चीज़ें क्या नाम होगा क्या क्या कुछ चीज़ें ना सच थी, जो मेरे साथ हो चुकी है जो चीज़ें हो रही है वैसी वैसी चीज़ें सच थी बताई, पर पता नहीं वो रियलिटी है या फिर माइंड पढ़ लेते क्या है पता नहीं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें सच थी और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, ये मुझे अजीब सा लगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है और ख़तरनाक चीज़ें होने वाली है। सो आप सभी को तो पता होगा, अगर मेरा तो पता नहीं कैसा है क्या है, सो वो चीज़ रियलिटी होती है नहीं होती है, लेकिन मानना तो पड़ेगा क्योंकि 95% सभी चीज़ें सच्चाई बता दिए, मतलब 95% सच सच हुआ जो बताए, और 5% कुछ अलग सा था, लेकिन वो भी सच ही टाइप का था लेकिन कुछ अलग सा था। और गाइज खाना वाना कुछ भी नहीं हुआ, ठंड लग रहा है तो यहाँ बैठे हैं, पूरा चीज़ कंप्लीट हो गया, आज का पूरा दिनचर्या अच्छे से हो गया। अगर आप पूरा वीडियो देख चुके होंगे तो बहुत ही मज़ा आया होगा आप सभी को, अगर वीडियो पूरा देख चुके हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को अपने फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, अगर हो सके तो ये चीज़ें एक बार ट्राई करके देखना, ज़्यादा नहीं है मात्र 30 रुपया लिया गया लेकिन बहुत सारी चीज़ें बता दी, अब ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, मुझे लगा ट्राई करना चाहिए, अगर आप सभी को करना चाहिए, अगर सच्चाई है नहीं है वो आप सभी को भी पता चल जाएगा। और दोस्तों अगर मेरे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखना, मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कुछ गलती हुआ है तो छोटा भाई समझ कर माफ़ कर देना। जय हिंद जय भारत।